गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारी सोई है आज सुबह सुबह और बच्चे स्कूल भेजने के टाइम पर मैं उठी तब भी बारिश हो रही थी और अब 8 बज रहे हैं। अब दोबारा से स्टार्ट हुई है तो तब भी बारिश हो रही थी, मैं वापस सो गई। मैं उठी थी 7 बजे और अब बज रहे हैं 8 और चाय मेरी बन चुकी है तो बस अब कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। बारिश तेज हो गई है, बहुत तेज। ये देखो ये लड़कियां सुबह सुबह मतलब क्या खेल रही हैं, बता नहीं सकते हम क्या खेल रहे हैं। मैं खेलना नहीं चाहता था, हाँ पड़ रहा है। क्यों है? तो बारिश पड़ गई थी सुबह, इनकी हो गई है छुट्टी, जैसे कि आप सबको मैं पहले बता चुकी हूँ। और लड़कियों की वीडियो बना रही हूँ और किसी की मैं बना नहीं सकती। और ये सिवा दिखा देती हूँ बेचारा, थोड़ा सा तो ये जी हम तो जी ब्रेड खा रहे हैं सुबह सुबह, भूख लग रही है, भूख। चाय तो हमें पीनी नहीं है और हम भी चलते हैं। मैं सब वीडियो एडिट करके और खाना बनाते हैं, भिंडी बनाती हूँ। दीसू थोड़ा नीचे रहे, पंखा है ऊपर, इतना ऊंचा ना हूं मैं, इतना ही ऊंचा है, ध्यान रखा करें। और टीवी चलाने की हो गई है तैयारी और बस अब हम चलते हैं, मैं बना लेती हूँ पहले मतलब वीडियो एडिट करती हूँ फिर खाना बनाऊंगी इनके लिए। बेचारे ब्रेड खा रहे हैं, भूख लगाई नहीं तो 8:30 बजे कहाँ भूख लग रही थी, इन्हें आज लगी है। चलो मैं बना लेती हूँ। क्या बन रही है? सब्जी बन रही है बेटा, आज बनाऊंगी, आज भिंडी बनाऊंगी, भिंडी बनाऊंगी। अब जा रहे हैं बच्चे और इधर दूध जमने के लिए रखा हुआ है और ये गर्म हो रखा है और अभी कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी हो रही है। हाँ क्योंकि जल्दी हो गई, एकदम मैं प्रेस कर रही थी, अचानक से बोला इसके पापा ने थोड़ा जल्दी चलना है, बच्चे जा रहे हैं। जब तो सब बैठ के बातें कर रहे थे, ब्लॉग भी नहीं बनाया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बस तो बस लेट हो गए। सोच रही थी मशीन लगा दूंगी तो कपड़े धुल जाएंगे, कपड़े मम्मी धोएंगे, जाकर बच्चे कपड़े रख लेंगे। तो बस मैं बना देती हूँ और जब तक आप कैमरा रोको बीच में आटा रोक के ये करना पड़ रहा है। और ये भिंडी कटी थी रात लंच के लिए, बाद में मिलते हैं अभी क्योंकि छींटे आएंगी, लड़की बहुत डरती है मेरी। तो सब्जी बनानी नहीं सीखेगी, सब्जी बनानी नहीं सीखेगी, फिर डर तो जब ही निकलेगा जब बनानी सीख शुरू करेगी। तो बस मैं अभी ना चलो बंद करो, बंद करो। तो दोस्तों बस रोटी बन रही है हमारी और सब्जी भी तैयार है इधर, ये देखिए। और दही आई है आज मार्केट से, क्योंकि दही नहीं थी, दही अब जमाऊंगी। तो मिलते हैं आप सभी से, और ये इसका पूरा बुरा हाल हो रखा है सबका। तो मिलते हैं फिर आप सभी से, कुछ रोटियां बन गई हैं, कुछ बना लेती हूँ। तो खाना खा रहे हैं और मैं बना रही हूँ रोटी, और इधर डाल रहे हैं रोटी डाली जा रही है, भिंडी विंडी सिंडी। इसमें भाई घी लगा, अच्छा घी लग रहा है, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा घी इसे लगा। और बस अभी रोटी बनी है किसका, शिवा का। लो लो और ले प्लेट ले। मम्मी आ रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, ना पिछले साल से पाया उनका आया जागरण में कीर्तन जो भी हुआ उनके, हाँ आए, चलो अब आएंगे, आते जाते एक दो साल में, अभी ना मैम अभी ना, थोड़े टाइम में आएंगे। मम्मी आ रहा ठीक है, बड़ा बोले ठीक ठाक है, राजी खुशी। फोटो कैसे लेंगे? अच्छा अपने पापा छोड़ दो, वापिस आ रहे हो?
चलो फिर ठीक है, सही बताओ कितनी देर कब आओगे अब? सिवा तो चलो ये छुट्टी में आएगा, तू बता तू इतनी दूर तक कब आएगी बता। लौंडिया लौंडिया की वीडियो बेचारे की कैमरा मॉनिटर मम्मी के साथ फोटो ले रहे बहुत बुरा फोटो आया है मेरा। हम जाने रहे वैसे भगा ले देख लो करवाएगा साउंड को खुदा फिर चल के आ आ जा वालेकुम सलाम तू भी तो आ जा कौन कौन करवाएगा बाय दोनों आ जा खुदा फिर वालेकुम सलाम। छिम पड़ रही है फुहार सावन की नहीं सॉरी 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 सावन की नहीं ये है भादवे की और भगवान जी हमें ना गरज गरज के डरा रहे हैं। मैंने पहले भी ऑन किया कैमरा तो भगवान जी ने एकदम से बहुत जोर से आवाज़ करी और मैं भाग के अंदर चली गई। अब बंद हो गई है तबाहियाँ तो रिमझिम पड़ रही है बूंदे ये देखिए मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा और कल तो मेरा चूल्हा भी हल्का सा भीग गया था रात में बारिश पड़ गई थी। हाय 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 क्या फुहारे। अब बारिश एंजॉय करते हैं, अब आप सब भी बारिश एंजॉय करो अपने अपने घर और अब हम बाद में बात करेंगे आप सभी से। देखते हैं बारिश बहुत अच्छा लग रहा है। अब बारिश हो गई है तेज अब चलते हैं हम। और फूल कितने सुंदर लग रहे हैं फूल ये देखिए ये देखिए। आपको फूल नज़र नहीं आ रहे मुझे नज़र आ रहे हैं वाइट और पिंक। बारिश का मतलब बारिश होते ही के साथ बारिश तो खैर बाहर हो रही है इसके पापा लेने गए हैं ब्रेड पकौड़े। हिमांशी ने मंगाए हैं हिमांशी ने अपने पापा से मंगाए ब्रेड पकौड़े क्योंकि बारिश हो रही थी। पकौड़ियाँ कह रही थी लेकिन मैंने नहीं बनाई मैं चली गई थी नहाने तो ब्रेड पकौड़े आए तो एक तो हम भी खाएंगे और सब्जी आई चटनी नहीं है तो आप सभी को खाने तो आ जाइए आप सभी सभी के लिए ये रखे हुए एक बार तो हम तो खा लेते हैं पहले और थोड़ी लिमका ले लेती हूँ मैं लिमका भी है लिमका तो मैं खैर मैंने मंगाई है लिमका तो मैंने दोस्तों अंधेरा हो रखा है और मैं आई हूँ ऊपर देखने पौधे देखने के बगैर मुझे सुकून नहीं आता लेकिन कैसे देखूं। मम्मी क्या देख रहे हो बूंदे पड़ रही हैं मैं देखने आई थी पौधे देखे बगैर मुझे सुकून नहीं आता है तो पौधे देखने आई थी और ये देखने आई थी पानी वानी तो नहीं है किसी ज़्यादा बड़ी ठंडी हवा लग रही है ऊपर। तो राम राम जी आप सभी को कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए और सुबह से अब मिल रहे हैं आपको। मैं सो गई थी खाना खा के हमें हो गया था नशा और हिमांशी ने मंगाए थे ब्रेड पकौड़े वो भी खाए थे तो खाना वाना खा के बस फिर तो हम तो सो गए। और हिमांशी आप भी सोए थे मेरी आँख में no. इस आँख में बहुत प्रॉब्लम हो रही है पानी भी बहुत जाता है पता नहीं क्या हो रहा है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और गाइस मम्मी फ़ोन में रहती हैं रखी रहती हैं हर वक्त फ़ोन ही देखती रहती है इस कारण से इनकी आंखों में यही हो रहा है। तो तुमसे ज़्यादा तो कोई फ़ोन ना देखता तुम इतना ज़्यादा फ़ोन देखती हो काम तेरे पापा कर रहे हैं ऐसे कर रही है काम तो बड़े तेरे पापा करके जा रहे हैं पर फ़ोन कम देखना चाहिए पहले बिल्कुल नहीं देखते थे अब देखना पड़ता है तो फालतू चीज़ तो नहीं देखते ना यार काम की चीज़ देखते हैं ना देखते हो बनाना बहुत सारी वीडियोस देखते हो वीडियो चेक करना कहीं कोई गलत मतलब कुछ वैसे तो कुछ गलत नहीं बोल दिया हमने हंसी मजाक में तो वो सारा चेक करना बस वीडियो से ही काम होता है बाकी तो वीडियो भी देखनी पड़ती है अपने दोस्तों की ये भी है। तो बूंद पड़ रही है चलते हैं हम नीचे मैं बूंद में देखती हूँ भाई बूंद से ही देखते रुक जा। टमाटर तो हो रखे हैं तो दोस्तों ये देखो ये पता नहीं किस चीज की बेल है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने तो यहाँ कुछ बोया नहीं है तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा ये इस पौधे का भी नहीं पता बेल का तो खैर पता है। और यहाँ पे है ना यहाँ पे ये करेले की है ये कंटेला कंटेला की बेल में क्योंकि मैंने वो बोया था तो वो हो गई है और बेले मैंने गलती से उपाड़ दी थी
ये बेल रह गई है। और इस पौधे का बताना है, इस पौधे का भी मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाभी कैसे आया था सामने से। ये किस चीज़ का पौधा है? इसके बराबर में भी एक छोटा सा पौधा हो रखा है। और नीम देखो दोस्तों, ये है कंटेला का पौधा, मतलब कंटेला की बेल। मैंने जो वो राने करेला नहीं, उन्हें कुछ और बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ, उस दिन भाभी ने भी दाम दिलाया था। तो ये वो बेल हो गई है, बाकी मैंने गलती से उपाड़ दी थी। और नीम देखो कितना प्यारा हो रहा है, नीम बहुत सुंदर हो रहा है, सभी कुछ अच्छा हो रहा है, बारिश पड़ रही है वैसे। और इसका बताना है ये पेड़ किस चीज़ का, मुझे खुद ही नहीं पता भाभी कैसे आया था। उसके बराबर में छोटा सा भी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बाकी तो सब। और बेल का आप भी बताना, बेल किस चीज़ की, मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रही, आपको समझ में आए तो बताना। ये देखो ये सीढ़ी पता नहीं किसने, कल बिल्डिंग में से किसी ने साफ करवाई है टंकी अपनी। तो ये टंकी का हमें नहीं पता किसने करवाई है, लेकिन सीढ़ी यहाँ पड़ी हुई है। सीढ़ी अच्छी वाली साइड में कोने में लगी हुई थी, अब गीली हो रखी है, हम भी नहीं उठा सकते, हमारे कपड़े गंदे गीले हो जाएंगे। मैं तो बारिश की बूंद से भी वैसे ही छुप छुप के कैसे बच बच के जी रहे, थोड़ी सी बूंद बंद हुई तब जाके थोड़ा सूट किया है। और सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है, बाकी तो छत साफ ही है हमारी, लेकिन ये ख़राब हो जाएगी इस तरह से पड़ी हुई है। कोई बच्चे भी आते हैं, बच्चे थोड़ी ना इतना ध्यान करते हैं चढ़ जाएं। तो मौसम हो रहा है, अंधेरा हो चुका है, हम चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या बनाना है, सब्जी वब्जी की तैयारी करते हैं।